बच्चों, आपने मेरे पिछले वीडियो में व्हाट इज द लीगल प्रोफेशन एंड इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि मैंने बताया था कि लीगल प्रोफेशन क्या है और भारत में इसके इतिहास को समझाइए। यह लेक्चर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था, फीचर्स बता दिए थे और हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, जो कि 2 पॉइंट मैंने लिखाए थे, जिसमें से एक मैंने बता दिया था कि लीगल प्रोफेशन बिफोर ब्रिटिश इंडिया, यानी कि भारत में ब्रिटिश इंडिया के पहले, यानी कि सन 1600 के पहले लीगल प्रोफेशन क्या था, कैसे हुआ करता था। तो मैंने आपको उसमें बता दिया था कि राजा के द्वारा न्याय किया जाता था, मंत्रियों से सलाह ली जाती थी, लेकिन राजा कभी भी मंत्रियों से बाउंड नहीं था कि उनकी सलाह को माने, अदरवाइज इट सेल्फ टोटली डिपेंड ऑन देयर डिस्क्रिशन पावर, उसके स्वविवेक की शक्ति थी कि वो मंत्रियों की सलाह माने या ना माने, और जो राजा कहे वही जजमेंट हुआ करता था। आज हम इसके अगले पॉइंट पर चर्चा करेंगे, पॉइंट सेकंड, लीगल प्रोफेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया यानी कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद भारत में ब्रिटिश के पावर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले और टोटल पूरे तरीके से इंडिया ब्रिटिश इंडिया में कन्वर्ट हो गया, यानी ब्रिटिशियन आ गए। तो उस कंडीशन में, उस समय भारत में लीगल प्रोफेशन कैसे डेवलप्ड हुआ, लीगल प्रोफेशन क्या था, कैसे करते थे, समझते हैं इसको हम भिन्न भिन्न पॉइंट्स में। लीगल प्रोफेशन इन ब्रिटिश इंडिया को हमने फर्स्ट डिफाइन किया है, लीगल प्रोफेशन अंडर मेयर्स कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू चार्टर 1726 टू 1753, चार्टर 1773, चार्टर 1774, 1801, 1823। यानी कि इसके फर्स्ट पॉइंट में हम ये समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मेयर न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, उस समय लीगल प्रोफेशन क्या था। देखिए, सबसे पहले हम इसको चार्टर 1726 में समझेंगे। चार्टर 1726 में मेयर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिक्यूचर की स्थापना की गई, जिसमें यह बताया गया कि प्रत्येक प्रेसिडेंसी नगर यानी कि बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इन तीनों ही प्रेसिडेंसी नगर में एक एक मेयर न्यायालय होगा। तीनों ही जगह एक एक मेयर न्यायालय होगा, उन न्यायालयों में मामलों को सुना जाएगा और समझा जाएगा। उस समय 1726 में जो विधि व्यवसाय की व्यवस्था की गई, उसमें ज्यादा कोई कानून नहीं थे, बस बात इतनी सी थी कि उन मेयर न्यायालयों में जो व्यक्ति इतना बुद्धिजीवी होगा कि अपनी बात को रख सके, दूसरे के पक्ष को सुन समझकर दलीलें और तर्क दे सके, वो उसमें विधि व्यवसाय कर सकेगा। ये जरूरी नहीं था कि आपकी योग्यताएं क्या होंगी। फिर उसी व्यवस्था को थोड़ा सा आगे बढ़ाया 1753 में। 1753 में कुछ नियमों को बनाया गया, जिन नियमों के तहत ये व्यवस्था की गई कि जब पक्षकारों की सुनवाई होगी और विधि व्यवसाय जो लोग कर रहे होंगे, वो किन नियमों का पालन करना उनके लिए अनिवार्य है, किन नियमों का पालन उन्हें करना होगा। लेकिन ज्यादा कोई अंतर, ज्यादा कोई उसमें सुझाव या ज्यादा कोई उसमें योग्यताएं वाली बात इसमें नहीं रखी गई थी कि कौन व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करेगा, कौन नहीं करेगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम चार्टर 1773 की बात करते हैं। चार्टर 1773 में एक रेगुलेशन जारी किया गया, जिसमें कुछ और भी नियम दिए गए कि अब इन नियमों के तहत प्रत्येक न्यायालय में विधि व्यवसाय किया जाएगा और इन नियमों को मानना उनके लिए अनिवार्य होगा। लेकिन कोई ज्यादा बड़ा परिवर्तन इससे विधि व्यवसाय में नहीं आया। बड़ा परिवर्तन देखने को मिला यहां
1774 में क्या था कि जब चार्टर 1773 यानी 1773 जारी किया गया, तो उस चार्टर द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया सम्राट को कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। 1773 में ऐसा प्रस्ताव भेजा और उस प्रस्ताव पर भारत में कलकत्ता में सन 1774 यानी 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। मैंने यहां 3 ईयर बताए हैं जिन्हें आप ध्यान से देखें लीजिए। नंबर एक 1774 कलकत्ता, 1801 मद्रास, 1823 बॉम्बे। यानी कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, 1801 में मद्रास में और 1823 में बंबई में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब मेयर न्यायालय तो थे ही, साथ में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी कर दी गई। तीनों जगह अब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था हो गई और मेयर न्यायालय की हो गई। लेकिन चार्टर 1774 का क्लोज टू यानी एक पार्ट में तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था करना थी और दूसरे पार्ट में यह व्यवस्था करना थी कि विधि व्यवसाय करने वालों के संबंध में जो नियम अभी तक बनाए गए हैं वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, तो कुछ ऐसे नियम बनाए जाए जिससे कि उनकी अलग से पहचान हो। तो चार्टर 1774 में यह व्यवस्था की गई कि विधि व्यवसाय करने वालों को सूचीबद्ध किया जाए, एक एडवोकेट लिस्ट बनाई जाए, लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए कि ये लोग लीगल प्रोफेशन करेंगे, इनके अलावा कोई और इसमें एंटर नहीं होगा। ये दोनों व्यवस्थाएं चार्टर 1774 में की गई। इसके बाद सेकंड, लीगल प्रोफेशन अंडर कंपनी कोड, लीगल प्रोफेशन अंडर कंपनी कोड यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में लीगल प्रोफेशन कैसे किया जाता था, विधि व्यवसाय कंपनी न्यायालयों में कैसे होता था, इसके संबंध में मैंने यहां कई सारे चार्टर दे रखे हैं, जिसमें चार्टर 1793, चार्टर 1814, चार्टर 1833, चार्टर 1846। इन भिन्न भिन्न चार्टरों में विधि व्यवसाय के संबंध में प्रोविजन किए गए हैं जो मैं आपको वन बाई वन करके समझाने का प्रयास करता हूं। चार्टर 1793, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चार्टर 1774 में विधि व्यवसाय करने वालों को सूचीबद्ध किया गया था, उसी संबंध में यहां कुछ नियम बनाए गए थे कि कौन कौन से विधि व्यवसायियों को हम सूचीबद्ध करेंगे। क्योंकि समस्या क्या थी कि इससे पहले जब मेयर न्यायालय का गठन हुआ था 1726 में, उस समय जो विधि व्यवसाय करने की व्यवस्था थी उसमें विधि व्यवसाय केवल दो ही लोग किया कर सकते थे, नंबर एक हिंदू और नंबर दो मुस्लिम। क्योंकि ब्रिटिशियन का ऐसा मानना था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐसा मानना था कि भारत हिंदू और मुस्लिम प्रधान देश है और इसमें दो ही लोगों के पक्षकार ज्यादा होते हैं, दो ही धर्म ज्यादा है, और इस आधार पर उन्होंने दो ही लोगों को विधि व्यवसाय करने का अधिकार दिया, जिसमें नंबर एक हिंदू नंबर दो में मुस्लिम। लेकिन भाग्य की विडंबना थी कि हाँ अन्य धर्मों से जुड़े हुए लोग भी रहते हैं, रहते थे और रहते रहेंगे, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, तो वो व्यवस्था यहां चार्टर 1793 में खत्म कर दी गई कि अब ऐसा नहीं होगा, अब प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि विधि का ज्ञान रखेगा वो विधि व्यवसाय कर सकता है। ये 1793 में किया गया। चार्टर 1814, चार्टर 1814 में एक रेगुलेशन पास किया गया जिसमें कुछ प्रोविजनों को जोड़ा गया, उन प्रोविजनों के तहत विधि व्यवसाय करने की बात रखी गई। ठीक इसी तरह से चार्टर 1833,
चार्टर 1833 के रूल 27 में भी कुछ नियमों को अपनाया गया और उन्हीं नियमों के तहत अब विधि व्यवसाय आगे किया जाएगा, ऐसा बताया गया। एटलीस्ट इन ए लास्ट चार्टर 1846, सबसे अच्छा चार्टर विधि व्यवसाय में ये अब आया है। चार्टर 1846 में लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट बनाया गया, यानी कि लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1846। इस चार्टर द्वारा इस एक्ट को बनाने की बात रखी गई और ये एक्ट बनाया गया। और जब ये एक्ट बना तो इस एक्ट को बनाने में ये व्यवस्था की गई कि अब लीगल प्रैक्टिशनर कौन होंगे, वे कौन लोग होंगे जो लीगल प्रैक्टिस कर सकेंगे। ईच ऑफ पर्सन रिलेटेड टू लॉ इट मस्ट बी कंपल्सरी, या हम कह सकते हैं प्रत्येक वह व्यक्ति जो विधि के संबंध में ज्ञान रखता है वो लीगल प्रैक्टिस कर सकता है, विधि व्यवसाय कर सकता है। वो बात यहाँ चार्टर 1846 में रखी गई जिसके द्वारा लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट बना। आज का मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और प्रिय विद्यार्थियों, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको नित नए वीडियो लेक्चर सेंड करता रहूँ और हमारी महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ लॉ की वेबसाइट पर अपलोड होते रहेंगे। और मेरा ये प्रयास है कि आप मेरे वीडियो लेक्चर से लाभान्वित होते रहें और भावी भविष्य में उज्ज्वलता को प्राप्त हो, आपका भविष्य उज्ज्वल रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ।